मौजूद है, उन्होंने पहले ही जाकर उन थ्रेट्स को एलिमिनेट किया एंड पॉइंट्स टेबल में टॉप पर आते हुए 31 पॉइंट्स यार, 16 एलिमिनेशंस एंड 15 प्लेसमेंट पॉइंट्स, amazing performance from their side. बिल्कुल काफी अच्छी परफॉर्मेंस थी, बट वहीं पे क्लैरिटी और बबलू, क्लैरिटी इनटू बबलू तो नाम भी काफी बड़ा इनका, काफी अच्छी परफॉर्मेंस इनकी तरफ से भी आई थी. 12 पॉइंट्स इनको सर्वाइवल के थे, 12 इनके पास रैंकिंग पॉइंट्स थे, 24 टोटल पॉइंट्स इन्होंने गेन किया. आई 8 हैड अ डीसेंट गेम, बहुत अच्छी नहीं थी, जहां पे 14 पॉइंट्स इन्होंने गेन किए हैं. तो अगर यहां आगे जाना चाहते हैं, इसी तरह की परफॉर्मेंस देनी पड़ेगी इनको. टीम BY 7 एट नंबर 4 विद ओनली एंड ओनली 13 पॉइंट्स. टीम स्टार के काफी पैसिव खेले काफी देर बाद हमें नजर आए थे, लेकिन उन्होंने भी 4 किल सिक्योर कर लिए. दे हैव 12 पॉइंट्स. आई थिंक यहां तक आई वुड बी हैप्पी विद माय परफॉर्मेंस, लेकिन इसके बाद यहाँ पे टीम्स के पास कोई खास पॉइंट्स नहीं गेन कर सके. टीम नंबर टीम टफ है नंबर 6 के ऊपर विद ओनली 6 पॉइंट्स एज वेल. फ्री स्टाइल एक्स मैग्नस ईस्पोर्ट्स के नाम ख्याल में 7वें नंबर के ऊपर 4 पॉइंट के साथ. फंटास्टिक 4 ये नंबर 8 के ऊपर मौजूद है. और पेज 2 के ऊपर तो टीम्स के पास तो मेरे ख्याल में कुछ भी पॉइंट्स नहीं गए, बिकॉज शायद वो पॉइंट्स टीम बबलू और SP ले गई है. बिल्कुल. लेकिन चलें अब बात करेंगे दोस्तों, हमारे सामने बॉटम पे मौजूद कुछ टीम्स जिस तरह से टीम 5 ईस्पोर्ट्स फ्लेम्स वन गेमिंग की बात करें, साथ ही साथ टीम नॉर्थ ईस्पोर्ट्स एंड 3G got eliminated really early. बहुत ज़्यादा जल्दी इनकी तरफ से जब वो एग्जिट लिया जाता है इस मैच से दोस्तों. बट अगला मैच एक रिकवरी मैच है कार्ड से, बिकॉज हम यही बात करते हैं, अगर पहला मैच बुरा चला जाए दूसरे में आपको रिकवरी पॉइंट्स निकालने होते हैं, और वो रिकवरी पॉइंट्स आपको एक चिकन डिनर के बाद ही